नमस्कार दर्शकों, मैं रीना शर्मा और आप देख रहे हैं K9 मीडिया, सच के साथ खबरें खास। सभी खास खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जींद उपचुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने को लेकर शुक्रवार को चुनाव कार्यों से जुड़ी अधिकारियों तथा विभिन्न राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अमित खत्री ने की। श्री अमित खत्री ने चुनाव प्रक्रिया को व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने को लेकर विभिन्न टीमों के अधिकारियों के निर्देश दिए कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका सही तरीके से निर्वहन करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के अक्षरशः पालना करना सुनिश्चित करें। आदर्श चुनाव आचार संहिता में 20 नियम दर्शाए गए हैं, इन सभी नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करें। जींद उपचुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की शुक्रवार को छटनी हुई। चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए सामान्य ऑब्जर्वर की उपस्थिति में नामांकन पत्रों की हुई स्क्रूटनी। स्क्रूटनी के दौरान 7 नामांकन पत्र रद्द हुए हैं, 27 नामांकन सही पाए गए हैं। जींद उपचुनाव के लिए भरे गए नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी शुक्रवार को चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त किए गए सामान्य ऑब्जर्वर सौरभ भगत की उपस्थिति में हुई। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अमित खत्री भी उपस्थित रहे। आयोग द्वारा तैनात किए गए सामान्य ऑब्जर्वर सौरभ भगत वीरवार को जींद पहुँच गए थे। आज उन्होंने लघु सचिवालय स्थित SDM एवं जींद विधानसभा उपचुनाव के रिटर्निंग अधिकारी वीरेंद्र सहरावत के कार्यालय में नामांकन पत्रों की जांच करने की पूरी प्रक्रिया देखी। उन्होंने इस मौके पर उपस्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों एवं उनके प्रतिनिधियों से रूबरू होते हुए कहा कि इस उपचुनाव को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता की अक्षरशः की जानी चाहिए। उम्मीदवारों को अपने चुनाव से जुड़ी खर्च की पूरी जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श चुनाव आचार संहिता की अनुपालना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस उपचुनाव को पारदर्शी तरीके से करवाने के लिए अलग अलग कमेटियों का गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बार मतदान कराने के लिए VVPAT मशीन का प्रयोग किया जाएगा। इस मशीन के जरिए मतदाता को पता लग जाएगा कि उसका वोट उसकी इच्छा के अनुसार प्रत्याशी को गया है या नहीं। स्क्रूटनी प्रक्रिया के दौरान नामांकन भरने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। स्क्रूटनी के दौरान 7 नामांकन सही नहीं पाए जाने की स्थिति में रद्द हुए। जींद विधानसभा उपचुनाव के लिए 34 लोगों ने 42 नामांकन पत्र दाखिल किए थे, इसमें से 7 नामांकन पत्र कैंसिल हो गए हैं। इस प्रकार चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों के नामांकन सही पाए गए हैं। रद्द होने वाले नामांकनों में विद्यावती पत्नी स्वर्गीय हरिचंद मिड्डा, सत्येंद्र सिंह ढुल पुत्र परविंदर सिंह ढुल, अनिल कुमार पुत्र शीशराम, सुखबीर सिंह पुत्र प्रेम सिंह, चरण सिंह पुत्र द्रिया सिंह, अंकुर शर्मा पुत्र राकेश शर्मा, संदीप कुमार पुत्र रामफल। स्क्रूटनी के बाद 27 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र सही पाए गए हैं। इनमें इनेलो के उमेद सिंह पुत्र लक्ष्मीचंद, भारतीय जनता पार्टी के डॉ. कृष्ण लाल मिड्डा पुत्र हरिचंद मिड्डा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला शामिल हैं, भारतीय सामाजिक न्याय पार्टी के कमल कुमार पुत्र राम कुमार, राष्ट्रीय आजाद मंच के पवन जैन पुत्र राम कुमार, अंबेडकर समाज पार्टी के राजपाल पुत्र मंगत राम, रिपब्लिकन बैकवर्ड कांग्रेस के राजेंद्र सिंह पुत्र राम किशन, सामाजिक न्याय पार्टी के राधेश्याम पुत्र जिले सिंह, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के विनोद कुमार आसरी पुत्र राम सहाय आसरी, राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी के शीतल पत्नी सुमेर सिंह, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की सुनीता पत्नी सुरेंद्र, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के सुनील कुमार पुत्र रामजन दास। अन्य निर्दलीय प्रत्याशियों में शामिल हैं अंशुल कुमार सिंगला पुत्र ब्रज मोहन सिंगला, अशोक पुत्र लाल सिंगला, ओम प्रकाश पुत्र जगदीश, क्रमवीर पुत्र धूप, प्रभाती राम पुत्र भगवान दास, दिग्विजय सिंह चौटाला पुत्र अजय सिंह चौटाला, संत धर्मवीर चौटाला
पुत्र ओम प्रकाश खटकड़, विजेंद्र पुत्र प्रीतु, मांगेराम पुत्र बारूराम, मास्टर रमेश खत्री व नंबरदार रविंद्र कुमार पुत्र होशियार सिंह, संदीप कुमार पुत्र पृथ्वी सिंह, सतपाल पुत्र मोहनलाल, सुरेंद्र बीवी पुत्र रामकिशन, हरीश कुमार पुत्र प्रेमचंद। इस स्क्रूटनी प्रक्रिया के बाद रिटर्निंग अधिकारी वीरेंद्र सहरावत ने बताया कि 14 जनवरी को साय 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इसके बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए जाएंगे। इस मौके पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी एवं जींद के तहसीलदार प्रवीण कुमार भी उपस्थित रहे। जींद से K9 मीडिया के लिए अनिल कुमार। K9 मीडिया अब आपके लिए लेके आया है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद फुली वायरलेस सिस्टम, जिसके द्वारा आप अपने किसी भी प्रोग्राम को लाइव कर सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक रैली, जलसा, जागरण और स्पोर्ट्स इवेंट।